इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं कानपुर हिंसा के मामले में योगी सरकार के एक्शन को लेकर। सबसे बड़ी खबर इस वक्त, हिंसा के मास्टरमाइंड के ठिकानों पर अब बुलडोजर चलेगा। हयात जफर के बिजनेस पार्टनर की बिल्डिंग पर भी एक्शन लिया जाएगा, यानी बुलडोजर चलेगा। स्वरूप नगर की बिल्डिंग में साइलेंट पार्टनर है हयात जफर, और इसको लेकर भी अब योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के ठिकानों के साथ साथ अब उसके सहयोगी जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में रही है, उनके खिलाफ भी योगी सरकार का एक्शन सामने आ चुका है। अब कानपुर हिंसा के मामले में योगी सरकार के एक्शन पर और डिटेल हमारे संवाददाता से लें। उससे पहले ये तस्वीरें रवि, इन पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन ही कई महीनों से चिंता बढ़ाता आया है, और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपना रही है ये उसका एक और। सुरभि, ये तो तय था, क्योंकि जब कानपुर में हिंसा हुई थी और उसके बाद जिन लोगों की लिस्ट बनी थी उनमें कुछ ऐसे मकानों को, कंस्ट्रक्शन को भी आइडेंटिफाई किया गया था जो इलीगल बने थे, और खासकर उन लोगों के जो इसमें शामिल थे इस वॉयलेंस में, और उसके बाद ये कार्रवाई होनी ही थी। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंसा के मास्टरमाइंड के ठिकानों पर बुलडोजर चला है और मास्टरमाइंड के सहयोगियों के पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रवि, इसमें हम ये देख रहे हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अब एक लीड जरूर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास है, क्योंकि उसी के तहत अब ये एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। उमेश पाठक हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट मिल रही है? ये जो हम कार्रवाई की तस्वीरें देख रहे हैं और जिस मास्टरमाइंड के ठिकानों और उसके सहयोगियों के ठिकानों की बात की जा रही है, कितने मकान है, कितनी बिल्डिंग्स है, कहाँ है ये जिन पर ये कार्रवाई की गई? देखिए, ये दो तीन दिन पहले ही कई बिल्डिंग को चिन्हित कर लिया गया था और अब कार्रवाई शुरू हो गई। कानपुर में भी जो बुलडोजर है वो चलना शुरू हो गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कारोबारी इश्तिहार की आलिशान बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग अवैध थी और माना जा रहा है कि इन सब चीजों का फायदा उठा करके जो जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पर दंगे की कोशिश की गई, और जब तक हाजी ने जिस तरीके से कोशिश की थी उसके देखते हुए तमाम अवैध बिल्डिंग इनका इस्तेमाल हुआ है और अवैध तरीके से बनाई गई थी उन पर अब जो है उस तरह से कहा जाए तो बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ का फरमान दिया है, जहाँ किस तरह के हालात होते हैं तो जो दंगाई है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो कानून व्यवस्था को हाथ में रहने की कोशिश करते हैं। तो शायद इसी क्रम में ये कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है, जब जहाँ पर कानून के तहत बुलडोजर की कार्रवाई कराई जा रही है अवैध बिल्डिंगों पर। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।